Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 2, स्वरों की मात्राएं। हमने जो पहला लेसन पढ़ा था उसके अंदर हमने स्वर के बारे में जाना, व्यंजन के बारे में जाना। जब हम इन सब को पढ़ लेते हैं उसके बाद आती हैं हमारी मात्राएं। अब हमें मात्राओं में ये पता होना चाहिए कि मात्राएं होती किसकी हैं। मात्राएं होती हैं केवल स्वरों की, और जो स्वर की मात्रा होती है उसी का प्रयोग किया जाता है व्यंजन के साथ, ताकि हम नए शब्द बना सकें। व्यंजन की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है, तो व्यंजनों को लिखने के लिए हमें किसकी सहायता की आवश्यकता होती है? स्वरों की। हम सबसे पहले देखते हैं हमारी मात्राएं होती कौन कौन सी हैं। सबसे पहले देखो, ए की कोई मात्रा नहीं होती है। उसके बाद होती है हमारी आ की मात्रा। आ की मात्रा कैसी होती है? ऐसी। देखो, ये है हमारी मात्राएं, ये है स्वर की मात्रा। ए की तो कोई मात्रा होती ही नहीं, आ की मात्रा होती है ये। जब हम इसको बोलेंगे तो आ की साउंड आएगी। ये है ई और ये है ई। छोटी की मात्रा इधर आती है और बड़ी की मात्रा ऐसे होती है। देखो, इनको पहचानने का सबसे सिंपल तरीका होता है, आप लाइन में खड़े हो, सबसे पहले छोटे खड़े होते हैं, फिर बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े। इसी तरीके से ये छोटी मात्रा है तो हम इसको पहले लगाएंगे, ये बड़ी की मात्रा है तो हम इसको किसके बाद लगाएंगे? व्यंजन के बाद लगाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि छोटी की मात्रा व्यंजन से पहले लगती है बाद में, तो ये मात्रा व्यंजन से पहले लगती है और बड़ी की मात्रा व्यंजन के बाद लगती है। फिर आता है आपका ऊ और ऊ। ऊ जल्दी से बोला जाता है, हमेशा इसकी मात्रा कहाँ आती है? व्यंजन के नीचे आती है। अब इन दोनों के मुंह दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये है उ और ये है ऊ। इसके बाद आती है री की मात्रा, री की मात्रा भी व्यंजन के नीचे लगती है। अब आती है आपकी ए और आई। बच्चे इनमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं, ओ और औ। देखो, जब हम ए की मात्रा लगाते हैं तो ऊपर एक मात्रा आएगी, आई की मात्रा लगाते हैं तो दो मात्राएं आएगी। बट जब हम ओ और औ की मात्रा लगाते हैं उसके साथ आ की मात्रा वाली लाइन और उसके ऊपर एक मात्रा, ये दोनों चीज़ें मिक्स होके आती हैं। तो इस तरीके से ये है हमारी मात्राएं। अब हम देखते हैं मात्राओं का प्रयोग कैसे किया जाता है। जैसे इसमें ग, ए, म, ए, ल, आ, अगर इकट्ठा करेंगे तो ये बनेगा गमला। अब देखो, यहाँ पे आपको ग और ग के नीचे हलंत दिया हुआ है, तो हम इसको ग नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा ए तो इससे अलग हो चुका है ना। तो ये अब है ग, ये है आपका च, प, ध, प, य, न, ब। तो यहाँ पे इसके आगे लगा रखा है हमने आ, च, आ, चा, ये, ए, ये, चाय। अब आ, बड़ी ई, ओ, औ, ये मात्राएं कहाँ लगती है? हमेशा व्यंजन के बाद में लगती हैं। छोटी ई की मात्रा व्यंजन से पहले आती है, ए और आई की मात्रा व्यंजन के ऊपर आती हैं। ऊ, बड़ा ऊ और री, ये तीनों मात्राएं हमेशा व्यंजन से नीचे लगती हैं। अब हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज। हिंदी भाषा का निर्माण किससे होता है? हिंदी भाषा का निर्माण स्वर और व्यंजन से होता है। स्वर को परिभाषित कीजिए, वह वर्ण जिसको बोलने के लिए अन्य वर्ण की सहायता ना लेनी पड़े उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब आता है ए, ई, ऊ, ए,
स्वरों का मात्रिक स्वरूप मीन्स मात्राएं बतानी है। अभी मैंने आपको मात्राएं समझाई है, ए की कोई मात्रा नहीं होती, इ छोटी की मात्रा, ऊ बड़े ऊ की मात्रा, ए इसके ऊपर दो मात्राएं। अब आता है सही मिलान कीजिए। ये आ की मात्रा है, ये छोटा ऊ जो नीचे लगता है, ये री जो सबसे नीचे लगती है, ई ये आओ ये। अब आता है आपका रिक्त स्थानों को भरिए। अब रिक्त स्थानों में भरिए कि स्वर ए की अलग से कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा सदैव व्यंजन के कहाँ आती है? बाद में लगती है। बड़े उ की मात्रा सदैव व्यंजन के नीचे लगती है। ओ औ की मात्रा सदैव व्यंजन के बाद में लगती है। ई की मात्रा सदैव व्यंजन के बाद में लगती है। फिर आता है आपका, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें आपको मात्राएं बतानी है। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा था क पैड़े, रे, रे के ऊपर मात्रा किसकी आवाज आ रही है आपको? ए की। ए की मात्रा कैसी लगी हुई है? ऐसी। अब यहाँ पे दे रखा है मोर, ओ किसकी मात्रा की आवाज आ रही है? ओ की मात्रा। और कैसी है वो ओ की मात्रा? ऐसी। इसके बाद है कुदाली, कू ऊ की मात्रा की आवाज आ रही है क्योंकि ये छोटा ऊ है। दा आ की आवाज आ रही है, ये आ की मात्रा भी लगी हुई है। और ई बड़े ई की मात्रा भी लगी हुई है। तो जब हम ऊ की मात्रा ऐसी होती है, आ की ऐसी और बड़ी की ऐसी। शेर किसकी आवाज आ रही है? ए की। ए की मात्रा ऐसी होती है। किस्मत की, ई की मात्रा, ये कौन सी मात्रा है? छोटी की। इसके बाद आता है हमारा हिरण, किसकी आवाज आ रही है? ई। हिरण ई की मात्रा। मैना ए और आ की मात्रा, तो दो मात्राएं और आ की मात्रा। बुरा बड़े ऊ की मात्रा और आ की, ये बड़े ऊ की मात्रा है और ये आ की। रुमाल बड़े ऊ और आ की मात्रा की आवाज आ रही है। रूह बड़े ऊ की मात्रा की आवाज आ रही है। यहाँ पे मैंने साथ साथ में मात्राएं लिखी कि कौन कौन सी मात्राएं लगी हुई है। फिर आता है आपका, निम्न शब्दों में सही मात्राएं लगाकर अर्थपूर्ण शब्द बनाइए। तृण, देह, गाय, नाम, पानी, बांसुरी, सूरज, रंग, टोपी, दाल। इसके बाद आता है, नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। ये चित्र किसका है? शेर। ये पुलिस। अंगूर भैंस। इसके बाद आता है आपका, निम्न वर्णों के साथ मिलाकर एक शब्द बनाइए। ने मैं के, के के बाद मात्राएं दे रखी है हमें। नमकीन मैं। यहाँ पे जो मात्रा दी हुई है इस व्यंजन के बाद, तो ये मात्रा ले पे नहीं आएगी, ये मैं के लिए है। वैदिक, तोता, खीर। ये है आपका चैप्टर नंबर 2। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।